महाराष्ट्र की सियासत में अब दशहरा रैली के कारण भूचाल मचा हुआ है, क्योंकि इस रैली को लेकर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शिंदे वाली शिवसेना में फिर से तीखी बहस छिड़ गई है। और इस सब के बीच ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि दशहरा रैली शिवाजी पार्क में करने की परमिशन उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को मिल सकती है। पर ये रैली इतनी जरूरी क्यों है और शिवाजी पार्क में ही इस रैली को कराने का इम्पोर्टेंस क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल शिवसेना में बड़ी टूट होने के बाद पार्टी दो धड़ों में बढ़ गई और तब से ही दोनों गुट में मनभेद और मतभेद दोनों ही बने हुए हैं। दोनों गुट खुद को असली शिवसेना क्लेम करते हैं। इसी लड़ाई के बीच अब दशहरा रैली को लेकर लड़ाई तेज हो गई है, जिसकी वजह है शिवाजी पार्क। यहाँ ये बात जानना जरूरी है कि शिवसेना जब से बनी है, यानी कि 1966 से ही शिवसेना शिवाजी पार्क में ही रैली खूब धूमधाम से निकालती रही है। तो ये पार्क और ये रैली एक टिपिकल सिंबल की तरह है। तो इसको देखते हुए अब शिवसेना के दोनों ही धड़े, जो खुद को असली शिवसेना होने का दावा करते हैं, वो यहाँ पर रैली करने के लिए काफी इच्छुक हैं। दोनों गुटों ने बीएमसी से परमिशन मांगी थी, लेकिन अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि शिंदे गुट को अपने कदम पीछे लेने पड़ सकते हैं और उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से लोगों को शिवाजी पार्क से संबोधित करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि रैली के परमिशन उन्हें मिल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों पक्षों ने बीएमसी से परमिशन मांगी थी, लेकिन खबर थी कि बीएमसी पहले आओ पहले पाओ वाले कॉन्सेप्ट पर डिसीजन ले रही थी। अब उद्धव ठाकरे गुट के सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि शिंदे समूह को बीकेसी के एमएमडीआरए यानी कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी मैदान में रैली की अनुमति देते समय पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत को लागू किया गया था। तो अगर ऐसा है तो हमने शिवाजी पार्क के लिए आवेदन पहले किया था, तो इस लिहाज से परमिशन हमें मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे गुट को दशहरा रैली निकालने के लिए बीकेसी आवंटित कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि बीएमसी का फाइनल डिसीजन क्या होगा और यहाँ पर रैली करके खुद को असली शिवसेना होने का दावा और तेज कौन ठोक सकेगा। खैर, असली शिवसेना कौन है इसका फैसला तो जनता की अदालत में ही होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप बने रहिए एबीपी लाइव के साथ।